फ्रेंड्स, सिंपल एंड यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शानी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए परवल आलू की सब्जी कुकर में लेके आई हूँ। इससे बनाने से दो फायदे हैं, एक तो गैस हमारी बहुत कम खर्च होती है और समय भी बहुत कम लगता है। तो अगर कुकर में ये सब्जी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए कुकर में परवल आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये परवल ली है, इसे हमने छिलके सहित कट करा है ऐसे बड़े बड़े पीसेस में, और ये हमने कच्चा आलू लिया है, इन्हें भी इन्हीं पीसेस में इसी तरीके के बड़े बड़े पीसेस में हमने कट कर लिया है। अब हम एक कुकर गैस पे रखते हैं, इसमें हम थोड़ा ऑयल डालते हैं। उसके बाद ऑयल गर्म होने से ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम जीरा डाल देते हैं, और फिर जीरे के बाद हमें डालना होता है इसमें थोड़ी सी हींग। हींग हमने इसमें डाल दिया, इन दोनों को हम थोड़ा भूनने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कटकी हुई अदरक। कटकी हुई अदरक डाल दी है, उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कटकी हुई हरी मिर्च और इन्हें भूनने देते हैं। इन्हें भून लेते हैं अच्छी तरीके से। ये हमारे भुन गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें से हम डालते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इन्हें भी थोड़ा सा इसमें भून लेते हैं। फिर हम इसमें ये कट किए हुए टमाटर डाल देते हैं, और टमाटर को अच्छी तरीके से इसमें भूनना होता है, चलाते जाते हैं और इन्हें थोड़ा भून लेते हैं, हल्का सॉफ्ट कर लेते हैं। फिर इसमें हम डाल देते हैं धनिया पाउडर और इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरीके से हमारे जैसे मिक्स हो गए हैं। इसमें अब हम ये जो परवल और आलू हमने कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। हमने परवल छिलके सहित इसलिए कट किए क्योंकि छिलके में भी इसके बहुत प्रोटीन होता है और ये टेस्टी भी लगते हैं, इसके छिलके ख़राब नहीं रहते। तो आप इसे बना सकते हैं इस तरीके से, और आप अगर बिना छिलके के बनाना चाहते हैं तो वैसे भी आप बना सकते हैं। इन्हें अच्छी तरीके से हम इसमें भूनते हुए मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छे से आप इन्हें भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी ये परवल आलू की सब्जी बन के आती है, कुकर में बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। इसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। इसमें अब हम बहुत थोड़ा सा पानी डालते हैं, ज़्यादा नहीं। हमें इसकी थोड़ी सूखी सब्जी बनानी होती है, बस हल्का सा पानी डालते हैं ताकि हमारे ये कुकर में लगे नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालते हैं। अमचूर पाउडर बहुत थोड़ा सा ही डालते हैं क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाले हैं और नमक डाल देते हैं, और इन्हें मिक्स करने के बाद इसमें हम बहुत हल्का, मतलब एक स्पून पानी डालते हैं, बस ज़्यादा नहीं डालते कि कुकर में लगे नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। इसे अब हम सबको सेट करके कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसमें दो सीटी आने देते हैं। दो सीटी आने के बाद हम कुकर की गैस जो है वो बंद कर देते हैं, उसका प्रेशर निकलने देते हैं। जैसे ही इसका प्रेशर निकल जाए तो ये देखिए हमारी ये बिल्कुल परवल आलू की बिल्कुल सूखी सी सब्जी, लिपटमा सी सब्जी बनके तैयार हो गई है। सब कुछ हमारे अच्छी तरीके से गल गए हैं। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। एंड में इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं और हमारी ये परवल आलू की सब्जी तैयार है। इसे अब हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी परवल आलू की सब्जी? पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।